इतना बेदर्द दिखाया नहीं यार, गुस्सा रहा है मुझे। हेलो गाइस, टिप चैनल में आपका स्वागत है और आज हम लाए मछली के टीजर का रिएक्शन, जो कि है नाग चैतन्य जी और समंथा की मूवी। और ये काइंड ऑफ ऐसी ड्रॉप हो गई एकदम से, वही हाँ। इतना वो बज नहीं बनाया गया, ना कुछ क्रिएट किया गया, ना समंथा के इंस्टाग्राम पे कुछ इतना किया गया, और एकदम से ड्रॉप कर दी गई। तो थोड़ा मेरे ख्याल से बस क्रिएट करना चाहिए इनको। वही वही। और बाकी तो क्योंकि नाग चैतन्य और ऊपर समंथा है, दोनों हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं और दोनों बहुत पावरफुल एक्टर एक्ट्रेस है, तो आना चाहिए जरूर। बाकी ये मूवी शिव निराणा जी ने डायरेक्ट किया, शिव निराणा जी ने इससे पहले निन्नू कोरी मूवी डायरेक्ट की थी, तो वो भी इनकी अच्छी चल गई थी। तो अब ये देखते हैं ये कैसे जाती है। बिल्कुल, इसके सिनेमेटोग्राफर की बात की जाए तो विष्णु शर्मा जी है, जिन्होंने जैसे इसके पहले क्वीन और गोदा जैसी मूवीज के अंदर सिनेमेटोग्राफी, तो वो भी जबरदस्त होगा। वाह, ऊपर से मेरे ख्याल से ऐसा कपल ये लोग शादी के बाद ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। हाँ, मूवी के अंदर। हाँ। तो देखते हैं, आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्रिकेट पे वाह, ये कौन है? समंता के साथ नहीं इनका? सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल। ओके, ओहो समंता, अरे काम क्रिकेटर से माओ भाई। इतना बेदर्द दिखाया नहीं यार, गुस्सा रहा है मुझे। ऐसा कौन करता है? ऊपर समंथा जैसी वाइफ हो तो। लास्ट वाला पार्ट बहुत डिप्रेसिंग था। हाँ यार, और लाइक ऐसा था, गुस्सा आ रहा था काइंड ऑफ कि वो उसके लिए इतना छाता लेके आ रही है समंथा जैसी वाइफ, फिर भी ऐसा करना है, ऐसा कौन करता है? स्टोरी जो समझ आ रही है वो यही है कि क्रिकेटर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, और उसके बाद उनकी एक गर्लफ्रेंड थी तब, तो बिकॉज वो क्रिकेटर नहीं बन पाए होंगे, कुछ अपने प्लान्स नहीं पा पाए होंगे, तो उस वजह से वो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई होगी। तो उसके बाद इनकी समंथा से शादी होगी, वो भी जबरदस्ती अरेंज मैरिज काइंड ऑफ हो गई होगी। तो ये फिर वो एकदम बोलते ना, वो देवदास बन गए होंगे और इधर उधर घूमते होंगे, मारा पीटी कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, और उसके बाद फिर समंथा मतलब इनको बहुत प्यार करती होगी, वो इनके लिए पूरा हर चीज ट्राई करती होगी इनको मनाने की करने की, बट ये मानेंगे नहीं। फिर लगता है एंड में जाके ऐसा मान नहीं, मेरे को कुछ ऐसी स्टोरी दिख रही होगी, क्योंकि वो जितना टीजर में उससे ये पता लगा। और ऊपर से ना समंथा ऐसी वाइफ है लाइक वो मतलब अपनी फैमिली के बारे में किसी दूसरे से सुन नहीं सकती बिल्कुल, क्योंकि काइंड ऑफ एक इनके ऑफिस का कुछ सीन था, तो वो बोल रही थी कि मेरी फैमिली के बारे में कुछ मत बोलना। वो लाइक इनसे मतलब इतना प्यार कर रही है कि ये छत में क्या बारिश में करोगे, सिगरेट पी रहे हैं, वो बेचारी छाता लेके आई है और कैसे किस गंदी तरह मतलब लाइक इतने गुस्से में उसको देख रहे, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा है। और काइंड ऑफ जैसे आशिकी टाइप ऑफ पिक्चर्स होती है ना, जिसमें मतलब वैसे उसमें दोनों टाइप ऑफ लव होते हैं, दोनों तरह से लव होता है, बट ये काइंड ऑफ मजली ऐसा लग रहा है एक साइड से वन साइडेड लव की एक अलग ही स्टोरी होगी, क्योंकि इसमें दिखाया जाए किस तरीके से एक समंथा की तरफ से इतना वन साइडेड लव होगा और वो इतना कोशिश करेंगी पता नहीं, और लास्ट में अगर उनको नहीं मिला ना तो इतनी फ्रस्ट्रेटिंग एंडिंग होगी ना, अगर ये रियल में ऐसा हुआ तो। वही वही, मेरे ख्याल से स्टोरी हैप्पी एंडिंग की जाएगी और यही होगा कि वो उनको पीछे जाएंगी तो वो हाँ मान ही जाएंगे, नहीं माने तो हद हो जाएगी। बाकी तो जैसे ये काइंड ऑफ कुछ स्पेशल स्टोरी तो अभी लग रही नहीं, अगर मजली की तरफ से लाइक समंथा की तरफ से कुछ ऐसा आ जाता है कि जो अनएक्सपेक्टेड होता है स्टोरीज के लिए, तो फिर बात दूसरी, बाकी तो जितना टीजर है उसके हिसाब से तो जैसे हमने स्टोरी एक्सप्लेन की वही हो सकता है। बाकी जो दूसरी एक्ट्रेस है वो काफी क्यूट लग रही है, हाँ, बहुत ज्यादा, एंड वो जिस तरीके से वो भी रोल निभा रही है मेरे ख्याल से उनका भी यही रहेगा, वो और वो कहीं बाद में नहीं आई, बाद में आ सकती थी कि लाइक कुछ रोल प्ले करेंगे शायद मूवी के अंदर या ट्रेलर के अंदर दिखे हमें, तो वो है कि वो बाद में नहीं आई, तो शायद उतने पार्ट में खत्म होकर चली जाती है और फिर समंथा पे ही रहता है फोकस, वो भी हो सकता है। बाकी तो जब ट्रेलर आएगा तो बाकी चीजें खुल भी जाएगी। बाकी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और थोड़ा सा ऐसे गुस्सा कराने वाला लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।